अच्छे काबिल बच्चियाँ थी ये, जो लोगों से बात कर सकती थी, ये कोई डरती तो नहीं थी मर्दों से बात करते हुए, इनने ट्रस्ट किया और इनके साथ बहुत बहुत बड़े बड़ा जुल्म हुआ इन लड़कों ने। तो बेसिकली आज हम इसी को देख रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट यंग गर्ल्स बाय मैन। सो बेसिकली दो तीन बातें ये हैं कि जिस तरह से सब कुछ हुआ हमारे कैपिटल में इस्लामाबाद में, ये कोई छोटी जगह नहीं है, ये पाकिस्तान का कैपिटल है, और 23 सितंबर को जुमे का दिन था पिछले साल, मेरे नाम से उससे दो उसी हफ्ते बातचीत चल रही थी। इनने कहा था कि एक मार्की बुक करेंगे और सारे की शादी करवाएंगे और रुख्सती करेंगे, तो हम लोग इन चीज़ों में लगे हुए थे। और वो यहाँ पे आई मेरे ख्याल में बुध को, 23 तारीख जो थी वो जुमा था, मेरे ख्याल में 21 को आई, 22 को आई और सीधे चक शहजाद गईं जहाँ पे उनका निकाह जुलाई में हो गया था, वहाँ पे गईं और उस रात को ये सब कुछ हुआ और हम लोगों को जुमे को पता चला और इनाम और इनकी वाइफ कनाडा से दो दिन के बाद। उसके बाद आप सबको पता है क्या हुआ। सो मैं मेन पॉइंट्स पे आता हूँ, जो प्रेस की तरफ से मैं इन फैमिलीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बात करें। नंबर वन के कोर्ट्स जो हमारे हैं जजेस, उन पे अगर प्रेस और मीडिया की सपोर्ट उनको हो और उनको भी पता हो कि ये सिर्फ इन फैमिलीज़ का एक बहुत बड़ा हादसा नहीं है, हम सब की फैमिलीज़ का, तो पाकिस्तान में जो हमारे जजेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग, हमारी पूरी सोसाइटी जजेस पे, पुलिस पे, इनकी तरफ देखते हैं जब खुदा न खास्ता कोई बुरी चीज़ होती है। और मैं मैं साइंटिस्ट हूँ एंड मैं डॉक्टर ए क्यू खान के साथ बहुत अरसे रहा, तो हम जो साइंटिस्ट होते हैं हम लोग देखें डॉक्टर खान ने इस मुल्क के लिए कितना किया, और ये इनाम साहब भी इंजीनियर हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे, हम लोग कोई सोसाइटी में उस किस्म के लोग नहीं हैं जिनकी बहुत नेटवर्किंग होती है। सो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लिए पुलिस, जजेस, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम इनको बहुत ऊँचा समझते हैं और हम इन्हीं की तरफ जाते हैं। सो प्रेस को मेरी तरफ से, मैं इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे यही होंगे कि आप और पूरे मुल्क में ये बात फैलाएं, मीडिया की तरफ से उनको सपोर्ट दें इन फैमिलीज़ को, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ के जजेस को अपील करें, उनकी भी बेटियां हैं और हम सब की बेटियां हैं, सबके बच्चे हैं, उनको ये अपील करें कि जस्टिस जैसे इस्लाम में भी है कि इंसाफ नज़र आए होते हुए, ये ना हो कि कई साल गुजरते चले जाएं और कुछ भी ना हो। तो जैसे मैं देख रहा हूँ नूर मुकद्दम केस जिस स्पीड से चल रहा है इससे बहुत तकलीफ़ होती है, इसी तरह सारा इनाम का जो केस चल रहा है इससे मुझे और हम सबको और आप सबको भी तकलीफ़ होती होगी। सो दो तीन बातें हैं। नंबर वन, प्रेस की तरफ से जजेस को ये अपील है कि इसको जल्द अज जल्द करें एंड प्लीज़ इंश्योर कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। दूसरी बात, जब इंसाफ एक कोर्ट से हायर कोर्ट पे जाए और उसके हायर कोर्ट पे, हमारे लिए सबसे बड़ा कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, सेशंस कोर्ट से ये चीज़ें शुरू होती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में, शौकत साहब आपको बताएंगे इनका सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है और इनाम साहब का भी सेशंस कोर्ट से जाएगा आगे, बट पहली ये चीज़ थी कि प्लीज़ मीडिया की तरफ से जजेस को आप उनको जिस तरह से भी कायल कर सकें कि वो जो पुराना हमारा एक सिस्टम है कि कई कई साल एक चीज़ चलती है उसको ख़त्म करें, स्पीड अप करें। नंबर टू, कि पुलिस उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर आप इन दो लड़कों को सज़ा नहीं देंगे, कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, और अगर लाखों करोड़ों लोग इनको फांसी होते नहीं देखेंगे, तो फिर आपको पता है क्या मैसेज आगे जाता है। एंड इन माई क्लोजिंग रिमार्क्स आई वुड लाइक टू से कि जस्ट 3 वीक्स आज से पहले यूके में आपने देखा होगा एक केस हुआ जिसमें एक नर्स ने 6 बेबीज़ को मारा, लूसी लेटवी उसका नाम था। तो मेरा ये ख्याल था कि मैं इन फैमिलीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, मैंने TV पे ये सब देखा और वहाँ की एक बैरिस्टर से भी बात की कि क्या हमें आपकी सपोर्ट मिल सकेगी अगर उस स्टेज पर हम आए। तो मैं आपको इस पर अपील करूँगा और आप ये बात आगे फैलाएँ। जस्टिस गॉस नाम है उस जज का जिसने बहुत अच्छा इस मर्डर केस को रिजॉल्व किया,
विद इन वेरी क्विक शॉर्ट टाइम, और इन लोगों को एक्चुअली सेंटेंसेस दी जो सारे मुल्क ने देखी। तो अंग्रेज़ का सिस्टम वो नहीं है जो पाकिस्तान में अंग्रेज छोड़ के गया, वहाँ बड़ी जल्दी इंसाफ मिल जाता है लोगों को। सो दैट इज़ हाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि इन फैमिलीज़ को, इन पेरेंट्स को, हम सबको एहसास है कि इनके वालदैन कितनी तकलीफ से, पता नहीं कैसे सोते होंगे, कैसे बाहर जाते होंगे, दुकानों में कैसे चीज़ें खरीदते होंगे, लेकिन इनकी लाइफ कैसी होगी आपको अंदाज़ा हो सकता है उसका। सो इन फैमिलीज़ को इंसाफ मिलना चाहिए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि इनके पेरेंट्स बोलेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, और इनको इंसाफ, आप प्रेस हैं, हम सिटीजन्स की के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, प्रेस हमारी पाकिस्तान की, और उसके बाद जुडिशल सिस्टम, और उसके बाद पुलिस सिस्टम। सो मैं दुआ ये करता हूँ कि इनाम साहब को और शौकत मुकदम साहब को, जो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, इनकी फैमिलीज़ को इंसाफ मिले, और 24 करोड़ लोग इनके साथ खड़े हों। अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे, और इनको, अब जाहिर है कि बेटियाँ तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इनको हम कम से कम ये कर सकते हैं, माशाल्लाह तो बड़ा हमारा मुल्क है, कि इनको हम पूरी सपोर्ट दें ताकि इनको पूरा इंसाफ मिले, और सबको नज़र आए कि इनको इंसाफ मिला है। तो शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। शुक्रिया। और अपील इनकी यही है कि जल्द से जल्द इन दोनों केसों में इंसाफ मिले, और वो सिर्फ इंसाफ ऐसा हो कि जो इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। तो ये आपने बहुत अच्छा बोला था कि हम ज़्यादा डिले किए बगैर ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि सारा इनाम के फूफा भी हैं, रिश्ते में ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, इनका ब्रदर इन लॉ, और उसका तो बेटी है, बेटी, हाँ सर, वो सारे इनाम का फूफा है। तो ये हमारे साथ है, और ये इनके दिल का गम है, फैमिली डिफरेंट वो होती है, और मैंने देखा था जब डेथ हुई थी उस वक्त भी ये लोग बहुत ज़्यादा थे, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, लेकिन इनके गम में हम सब बराबर के शरीक हैं। और कल सारा इनाम की बरसी थी, देखिए वक्त किस तरह पर लगा कर उठता है आम लोगों के लिए, लेकिन जिन पे गुजर रही है, जिन पर बीत रही है, उनके लिए शायद एक एक लम्हा और एक एक सेकंड जो है वो भारी है। लेकिन कल एक साल गुजर गया, मुझे याद है एक साल पहले हम यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और विजिट कर रहे थे सारा के लिए, और आज एक साल गुजर गया, लेकिन ये इस बात को हम सबको सोचना चाहिए कि सारा साल नहीं बीतने चाहिए, जितनी जल्दी इंसाफ होगा उतनी जल्दी जो है वो दुनिया को पता लगेगा कि हाँ हमारे मुल्क में भी कोई जस्टिस नाम की चीज़ है। तो ब्रिगेडियर साहब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच अंजुम साहिबा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन तो कराया कि एक के मैं उनका पप्पा हूँ, बट एक और मेरा भी इंट्रोडक्शन है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो नेशनल पीस काउंसिल और जिसमें जस्टिस है और पीस, उसका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। उस नाते भी मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क इस वक्त जब आप ग्लोबल रैंकिंग देखते हैं तो उसमें टोटल 163 मुल्क का रिकॉर्ड है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में अनफॉर्चुनेटली 150वें नंबर पाकिस्तान है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में पीस नहीं होगा, और व्हेन आई से पीस इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ वायलेंस होना चाहिए, और दूसरा जस्टिस जब हम कहते हैं तो इक्वलिटी एंड फेयरनेस, दैट मीन कोई भी चीज़ हो जाए तो उसका फौरन फैसला हो, तो फिर उस मुल्क में जस्टिस होगी। तो ये मेरा एक सवाल है प्रेस से भी और सब जज साहबान से भी, कि क्या उन्होंने ये एक सोल सर्चिंग करें कि वाई हम इतने उधर ठहरे हैं, वाई वी आर सो बिहाइंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो इस वजह से मैं गुजारिश करूँगा जज साहबान से कि आज इस केस को एक साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक कोई सामने रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा, हालांकि ये जिसको कहते हैं
इनकी अपनी लीगल लैंग्वेज में कि दिस इज ओपन एंड शट केस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। तो सारा के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में जफर साहब ने भी बताया, बाकी भी बताएंगे, माशाल्लाह पाकिस्तान की वो एक होनहार बच्ची थी जिसने नॉट ओनली मुल्क में नाम अपना रोशन किया बल्कि कनाडा में भी और यूएई में, यूएई की गवर्नमेंट की जॉब में और अच्छी पोजीशन पर होना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फख्र की जगह थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ज़्यादा उससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा ना सका और उनकी इस तरह की मौत वाकई हुई जो कि नाकाबिले माफ़ी है। इस वजह से मैं सिर्फ जज साहबान से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो केस को देख रहे हैं कि इसको एज अर्ली एज इसको फायदे तक दिल तक पहुँचाएँ। और आई मस्ट अप्रिशिएट द रोल ऑफ प्रेस बिकॉज जिस तरह इन्होंने हर वक्त प्रेस में कवरेज करते रहे हैं और उसको फॉलो अप करते रहे हैं, मैं इनको क्रेडिट देता हूँ कि अगर ये उस इतनी चीज़ों की निशानदेही ना कर रहे होते तो शायद जो अभी भी प्रोग्रेस इससे भी स्लो होती। तो वंस अगेन आई मस्ट थैंक ऑल द मीडिया और इवन टुडे आई वांट टू थैंक द प्रेस क्लब फॉर अरेंजिंग ऑल दिस। तो यही एक मीडिया, जैसे हमने पहले भी हाईलाइट किया है कि ये मीडिया ही है और ये जो कि इस चीज़ों को हाईलाइट करके दे कैन हेल्प दी एग्रीव्ड फैमिली। और मैं दुआगो हूँ कि इनाम और जो उनके क्लोज फैमिली हैं उन सबको अल्लाह ताला सब्र दे और ये जो केस है जल्द से जल्द इसका फैसला हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Brigadier Muhammad Aslam Sahab, for your kind words and appreciating the press. And I must say के seriously इस मुल्क में किसी भी मुल्क में मीडिया जो है वो किसी भी शेप कर सकता है किसी भी केस को, किसी भी सिचुएशन को। तो अगेन आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है इस केस में भी, नूर मुकदम के केस में भी और दूसरे केसेस में। रिजवाना बच्ची थी जिनके साथ तशद्दुद हुआ, फातिमा एक बच्ची है जिसका केस चल रहा है, हवा की बेटी के साथ कब तक ये जुल्म होता रहेगा और कब तक हवा की बेटियां सहती रहेंगी, ये एक सोच का मकाम है। और मैं आप लोगों से सबसे अपील करती हूँ जितने लोग यहाँ पर हैं किसी भी कैपेसिटी में, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बहुत सारे मीडियम्स हैं, तो आप जिस भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं इसको उठाएँ इस आवाज़ को, ताकि ये जो जुल्म और सितम हवा की बेटियों के खिलाफ हो रहा है, आप लोग सोचते नहीं हैं थोड़ी देर के लिए कि हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, किस तरह आप लोग हमारे ऊपर जुल्म करते हैं और इस जुल्म को स्टॉप होना चाहिए। यकीन करें मैं सोच नहीं सकती रिजवाना का केस या फातिमा का केस, छोटी छोटी बच्चियाँ, नूर मुकदम का केस, सारा इनाम का केस, ये सारी बच्चियाँ हैं हमारी और इनके साथ आप लोग जुल्म करते हैं, इसके बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए और जस्टिस शुड प्रिवेल एज सून एज पॉसिबल। अब मैं दावत देने लगी हूँ या ज़हमत देने लगी हूँ शौकत मुकदम साहब को, आपको दावत देती हूँ कि वो उनके ऊपर जो सानिया बीता है उसकी रोशनी में इस केस के लिए भी कुछ रोशनी डालेंगे, किस तरीके से हम इस केस को स्पीड अप कर सकते हैं और जो आपके एक्सपीरियंस है जो गुजरा आपके साथ उसको किस तरीके से हम इनाम रहीम साहब की सपोर्ट बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि एक साल हो गया और सारा इनाम जो है वो कत्ल हो गई है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। और मैं सारा इनाम से मिला तो नहीं था, मेरे को नहीं जानता था, लेकिन ये जब वाकया हुआ और फिर मैं इनाम साहब उनकी फैमिली से मिला, मैं घर गया उनके, मैं मेरी वाइफ और हमने उनसे उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश की हमने, क्योंकि हम समझते थे कि हमसे बेहतर जो है
जो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं ये कोई और शायद नहीं समझ सके, क्योंकि जो हमारी बेटी नूर मुकद्दम उसका भी दर्दनाक तरीके से कत्ल हो गया था 20 जुलाई 2021 में इस्लामाबाद शहर में, एन बकरीद से एक दिन पहले यौम अराफात के दिन। तो उस वक्त जब कत्ल हुआ था, फिर हम उस एक प्रोसेस से गुजरे जो बहुत तवील था, बहुत तकलीफ दे था, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह हम भाग रहे थे वकीलों के पास कोर्टों में, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी तो बड़ी बड़े कमरों में बन गया है, उस वक्त कचहरी जो है F8 में, वहाँ बैठने या खड़े होने की जगह नहीं होती थी, छोटे से कमरे में वहाँ हम जाते थे तकरीबन रोज़, और वहाँ जो जज साहब सुना करते थे केस को। तो एक तवील ट्रायल प्रोसेस चला, हर एक ने कहा वही जो बात अब कह रहे थे कि भाई ये तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन एक ठीक है, एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए, और फेयर ट्रायल हुई है। तो लेकिन एक बात मैं आपके कहना चाहता हूँ कि जो कुछ जिस सिस्टम हमारी वीकनेस है, लेकिन वो जज साहब जो है 8:30 बजे कमरे में आ जाते थे, अतारा बनी साहब, और जो है वो वहाँ उन छोटे से कमरों में लोगों की फरियाद सुनते थे, और जो है 24 फरवरी 2022 को जो है उन्होंने डेथ सेंटेंस सुनाई दी, जो मेन कातिल था जाहिर जाकर को, उसको डेथ सेंटेंस सुनाई, और जो उसके साथी थे उसको 10-10 साल उन दोनों को सजा सुनाई दी गई। वहाँ लोगों ने और जो थे उन्होंने कहा कि भाई और दूसरे लोग भी थे जो माँ बाप वगैरह, उनको भी शामिल करना चाहिए, कि ये नहीं हो सकता माँ बाप बेशक कराची में बैठे थे तो उनको भी पता होना चाहिए था सब कुछ, जो कुछ हो रहा है घर में तो उनको पता होना चाहिए था। तो बहरहाल फिर वो केस वहाँ गया हाई कोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में भी जो है केस की सुनाई हुई, और जो नून मुकद्दम के कातिल जाहिर को 2 काउंट में सजाए मौत सुनाई गई, एक मर्डर और एक रेप, दो इसमें। और मैं जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट टाइम में केस को निपटाया, और दो जो थे अकम्पलिस उनको 10-10 साल उनकी कैद जो है बरकरार रही। तो ये एक जो है केस अब सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने अपील की हुई है, और डिफेंस का भी राइट होता है, उन्होंने अपील की है, और जो है अब हमारी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को जल्द से जल्द सुने, क्योंकि ये इस तरह के केस जो हैं अगर सालों साल लटकें तो फिर जो है इस तरह के लोगों का जो एतबार है वो उड़ जाएगा, जो कोर्ट के सिस्टम में, लीगल सिस्टम में जो लोग समझते हैं कि एक ओपन शट केस है और 4-4, 5-5 साल 10-10 साल लग जाए तो वो फिर लोग समझेंगे कि यहाँ तो कोई कानून का निज़ाम ही नहीं है। तो ये एक केस नूर मुकद्दम का कत्ल और सारा इनाम का कत्ल जो नहीं है, एक सिंपल केस नहीं है, ये एक बहुत सीरियस केस है। और इस तरह के केस जो हैं ये एक जो फेमिसाइड या इस तरह की जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इसको रोकना पड़ेगा, और इसका एक ही तरीका है, जब तक डेटरेंस पनिशमेंट ना हो, इस तरह के जो बहुत लड़के हैं, मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बच्चे हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं, तो ये एक मैसेज जाना पड़ेगा, और मैसेज सिर्फ जो है कानून की बालादस्ती से होगा कि भाई कानून से कोई बालादस्त नहीं है, सब कानून के तहत हैं। और जब तक 4-5 जो इस तरह के बिगड़े हुए लोग हैं जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, वो फांसी के फंदे पर नहीं लटकेंगे, तब तक ये जो है ना मैसेज नहीं जाएगा। तो मेरी गुजारिश है, जैसा सारा इनाम का केस है इनका चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जल्द से जल्द वहाँ से इंसाफ इनको मिले, हाई कोर्ट से भी गुजारिश है कि वहाँ इंसाफ मिले इनको, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा केस नेचुरली, वहाँ जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और ये बच्चियाँ जो पाकिस्तान की एक सारा इनाम पढ़ी लिखी खातून थी, और अपने प्राइम यूथ में बेचारी थी वो, और वो कुछ बहुत कुछ करना चाहती थी अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन ऐसे दरिंदे जो हैं जो उनकी जान इन्होंने ले ली। तो अल्लाह ताला
जो है इनाम साहब को, उनके फैमिली को सब्र दे और उनको उसको जल्द से जल्द जो है इंसाफ के कटहरे में खड़े हो और ये इनको सजाएं मिलें, वरना जब तक इनको सजाएं नहीं मिलेंगी तब तक ये कोई माशरे में कोई चेंज नहीं आएगी और इस तरह के लोग जो हैं मासूम बच्चियों को जाने लेते रहेंगी। पाकिस्तान की 50% जो है आबादी ख्वातीन की है और ये नहीं हो सकता है कि ख्वातीन जो हैं डर और खौफ की ज़िंदगी गुजारें कि इस तरह जो है कि हम बाहर निकलें जो है हम काम नहीं कर सकते, हम दफ्तरों में नहीं जा सकते। हर पाकिस्तान की खातून को ये होना चाहिए कि भाई वो अपने घर में सेफ है। सारा इनाम क्या अपने शौहर के घर भी सेफ नहीं थी क्या? तो उसके निकाह हो गया था, उसकी शादी थी, तो क्या ना उसका अपने शौहर के घर भी बच्चियां सेफ नहीं हैं। अभी बच्चियां जो हैं अपने घरों में सेफ होनी चाहिए, अपने दफ्तरों में जा रही हैं, सारे काम करती, पढ़ी लिखी खातिन हैं। 50% पाकिस्तान की आबादी है, पाकिस्तान की 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर पहुँच गई है, जेट फाइटर उड़ाती हैं पाकिस्तान की। OIC के जितने मुल्क ममालिक हैं आप गिनती कर बता दें कितने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, पाकिस्तान की जो बनी है तीन बार बन चुकी हैं। तो पाकिस्तान की खातून बहुत पढ़ी लिखी समझदार और बाशऊर है और ये नहीं हो सकता कि 50% आबादी जो है पाकिस्तान की वो है पीछे रह जाए। तो इस और इसकी कॉन्फिडेंस जो है कोर्ट और हमारा सिस्टम दे सकता है। सिविल सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा, कोर्ट को जो है बताना पड़ेगा कि भाई हाँ इंसाफ है यहाँ और इस तरह के लोग जो हैं मासूम बच्चियों की जान नहीं ले सकते और अगर मासूम बच्चियों की जान लेंगे तो उनको सजा होगी और फांसी पर फंदे पर लटकेंगे इस तरह के लोग, तो फिर 4-5 जो लोग लटकेंगे फिर लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इंसाफ का बोलबाला है। नूर मुकद्दम माशाल्लाह उसकी बच्चियों उसकी सहेलियाँ ऐसी बताती तारीफ़ करती, जब वो जाती थी जिसके घर में तो सारी उसकी सहेलियाँ बोलती थी जहनम हस्ता जयनमाज तैयार रखना, नमाज पढ़नी होगी, दुआ कर सकता हूँ मैं सारा इनाम के पास ऐसे फैमिली को अल्लाह मुख से बढ़ गए। अंजुम साहब थैंक यू। आप लोगों को रखनी है और आप लोगों ने फाइट करना है जब तक आप लोगों की ज़िंदगी है। आप लोग अहद करें कि पाकिस्तान की हर बच्ची के लिए आप खड़े होंगे, सिर्फ नूर मुकद्दम के लिए या सारा इनाम के लिए आपकी कोशिशें नहीं होंगी। जब तक आपके सांस में सांस है पाकिस्तान की हर बच्ची आपकी बच्ची है और हम सब ने मिलकर उन बच्चियों को प्रोटेक्ट करना है। मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी, मुझे पता है आपकी बहुत इमोशनल इस वक्त हालत है, लेकिन हमें सिर्फ बच्चियों को बचाना भी है साथ साथ हमने उन बच्चों को तरबियत भी करनी है और उनके पेरेंट्स को भी कुछ सिखाना है कि कल को ऐसे दरिंदे दोबारा हमारी सोसाइटी में हमारी बच्चियों को इस तरीके से कत्ल ना करें, इस तरीके से उन पर जुल्म और ज्यादतियाँ ना करें। तो ये सारा केस जब शौकत मुकद्दम साहब आप जब ये फॉलो कर रहे थे तो काफ़ी सारा आपको बिहेवियर पता लगा होगा कातिल का भी, तो इस हवाले से या आपकी कुछ इंटरेक्शन पेरेंट्स से भी हुई होंगे तो उस हवाले से आप कोई मैसेज या कोई बिहेवियर बता सकते हैं कि हमारी बच्चियों को ये पता लगे कि एक सर्टन बिहेवियर के जो आदमी हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, या पेरेंट्स की तरबियत में आपको कुछ फील हुआ कि ऐसी कुछ कमी रह गई कि इस तरीके के वॉयलेंस बात ये कि पेरेंट्स है ना रिश्तेदारी होती है लोगों के यहाँ, लोग फैमिली जानते हैं एक दूसरे को। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद है छोटा शहर, कराची लाहौर जैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है,
यहाँ स्कूल जो है वो 8-10 स्कूल हैं, बीकन हाउस सिटी स्कूल, हेड स्टार्ट वगैरह, और सब ये बच्चे यहाँ के पढ़े हुए हैं, तो ये बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से यहाँ देखे हुए उन्होंने, और ये अभी प्रोफेशनल लाइफ में हैं सारे, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, तो एक दूसरे मशवरा करते हैं, एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, एक दूसरे की गम में और खुशी में शरीक होते हैं, तो किसी की बर्थडे होती है, जैसे ज़ाहिर ज़ाकिर के केस में ये इसके ज़ाहिर की जो बहन थी, इसकी बहुत सारी नूर, उसकी बहुत सारी सहेलियाँ इसकी फ्रेंड थी ज़ाहिर की बहन थी, और इनके वो सालगिरह में, इनके शादियों में, इनके दूसरे फंक्शन में जाती थी ये, और जो है ज़ाहिर भी इनके साथ पढ़े हुए थे बच्चे, सब एक दूसरे जानते थे और एक दूसरे को मशवरा लेते थे प्रोफेशनल लाइफ में थे। तो कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी में तो जो है इस तरह के लोग जो है दुख दर्द में शामिल होते हैं एक दूसरे के, और ये है कि इस तरह के वो बहुत सारी माएँ बाद में बताया उन्होंने कि भाई इनकी उनकी बेटियों ने बताया कि हम तो इसको जानते थे, इसकी बहन को, इसके घर में बहुत बार जा चुके हैं, तो मम्मी इट कुड हैव बीन अस, ये तो हमें मार सकता था, ये तो हमें पता नहीं था कि इस तरह का दरिंदा हमारे घर फिर रहा है, हमें कभी खौफ ख्याल में भी नहीं था कि हमारे साथ इस तरह कोई दरिंदा फिर रहा, हम तो स्कूल में ये सब पढ़े, आपस में हम जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यस, मैसेज पेरेंट्स की ये है कि तरबियत आपके पास ये है कि पेरेंट्स को देखना चाहिए अगर जो है कोई लड़के इस तरह के जो है कोई बाहर ख़राब माहौल में हो रहे हैं लड़के, तो उनको पेरेंट्स को उनको बताना चाहिए, स्ट्रिक्टली उनको ऑर्डर देना चाहिए, एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए, और जो है माँ बाप को देखना चाहिए उनके बेटे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको समझने की बात है। तो यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में, इस्लामाबाद की सोसाइटी में, वो अपने जॉब में और अपने सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, और वो अपने बच्चों को, बेटों को नहीं देखते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको वॉच किया जाए, उनकी तरबियत की जाए और उनको सही मशवरे दिए जाए, और इस जो है रिलीजन एक तरीका है जो उनको करीब लाना चाहिए उससे, और मज़हब जो है उससे जो है करीब ला सकते हैं। अब सारा नूर की बात हो रही थी दोबारा, तो ये नूर जो है कोरिया में हम थे, मैं एम्बेसडर था साउथ कोरिया में, फिर मैं कजाकिस्तान में एम्बेसडर था, तो एक कोरियन को उसने मुसलमान बनाया वहाँ वहाँ कोरिया, और जो है इसको सूरह मुल्क पूरी याद थी, माँ को एक बोली मुझे सूरह मुल्क पूरी याद है, आप भी याद कर लें, और जो है दूसरे सूरह कैफ के शुरू के 10 आयात जो हैं वो भी याद कर लें, आपको दज्जाल के जो है ना इससे आप उससे कहर से बचेंगे। हम हज करने गए थे, हज वहाँ जब मैं कोरिया में था तो इनविटेशन आ गया था हज के लिए, तो मैं मेरी वाइफ के लिए आ गया, जिसने कहा मैं भी हज पे जाऊँगी, मैंने कहा बेटा इनविटेशन दे दो प्लीज, खैर मैं बात करूँगा पूछूँगा, तो टिकट तो ट्रेन होगी मैंने, उन्होंने कहा कि मोहतमर आलम इस्लाम ने कहा ठीक है हाँ उनको भी लिया है, तो बहुत उन्होंने अरेंजमेंट किया।